नमस्कार दोस्तों, मैं लिपिका प्रीत आप सभी दर्शकों का बिहारी न्यूज़ की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस बेटी के बारे में जिसको NIT का सबसे बड़ा पैकेज मिला है, जिनके पिता बेचते हैं आलू प्याज। बिहार के युवा अक्सर कुछ ऐसा काम कर दिखाते हैं कि पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश को उन पर नाज होता है। खासकर जब बात बेटियों की आती है तो गर्व से सीना और चौड़ा हो जाता है। एक बार फिर बिहार की एक बेटी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि आज सब लोग उनकी वाहवाही करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल पुरुषों के प्रभाव वाले IT इंडस्ट्री में बिहार की इस बिटिया ने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया। NIT पटना में सत्र 2015-19 की कंप्यूटर साइंस विभाग की छात्रा और सीतामढ़ी की बेटी नैन्सी कुमारी को अमेरिकी कंपनी एडोब ने 40.6 लाख का पैकेज पर नौकरी की पेशकश की। उन्होंने अपने शैक्षणिक संस्थान में हाईएस्ट पैकेज अपने नाम कर दिया। नैन्सी का चयन कंपनी के विशेष प्रोग्राम सी कोर्स के तहत किया गया है। कंपनी द्वारा 6 छात्रों को ऑनलाइन टेस्ट लिया गया। इसमें सफल होने पर कोलकाता में 3 राउंड का टेक्निकल सेशन आयोजित किया गया। एक चौथे राउंड HR सेशन भी हुआ। अंतिम रूप से नैन्सी को इस राउंड में सफलता मिली है। पूरे 3 घंटा का इंटरव्यू हुआ था। कॉलेज के प्रोफेसर का कहना है कि इससे पहले अभी तक किसी भी छात्र या छात्रा को इतना अधिक पैकेज नहीं मिला था। नैन्सी की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनका जन्म 15 जुलाई 1997 सीतामढ़ी के पुपरी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता का नाम नागेश्वर चौधरी है। उनका आलू प्याज का व्यवसाय है। नैन्सी की माता मंजू देवी वर्तमान में सीतामढ़ी जिला की परिषद है। पिता के व्यवसाय में नैन्सी के बड़े भाई सहयोग करते हैं। वह अपने घर में नौकरी करने वाली पहली बेटी हैं। नैन्सी बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। सीतामढ़ी के पुपरी स्थित DAV स्कूल की 10वीं में उन्हें 9.6 CGPA प्राप्त हुए। 12वीं मुजफ्फरपुर के दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। 12वीं में 82% मार्क्स प्राप्त की। फिर इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा में रहने लगी। IIT मेंस एग्जाम में उन्हें 200 स्कोर प्राप्त हुआ। इससे पहले नैन्सी को InfoEdge कंपनी की ओर से 9.5 लाख का पैकेज मिला था। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।